कहाँ जा रहे? सीक्रेट सीक्रेट है ये हमारा नागपुर विदर्भ से, किधर विदर्भ के लोग पूरे भारत में किधर बीच है ना। तो हम लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस वक्त मैं गोंदिया के रेलवे स्टेशन पर हूँ और अभी तकरीबन जो टाइम हो रहा है वो 11:30 बज रहे हैं और संदीप भाव मेरा स्टेशन पर वेट कर रहे हैं। अभी जाते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। मुझे भी पता है लेकिन आपको उनके मुंह से मैं बताऊंगा कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। संदीप भाव देखो अभी मेरा वेट कर रहे हैं। ब्लॉग ब्लॉग कहाँ जा रहे? सीक्रेट सीक्रेट में बताएंगे, सस्पेंस। ये भी सस्पेंस, मैंने बोला कि संदीप भाव बताएंगे लेकिन नहीं बता रहे। हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 3, ट्रेन लेट हो गई है हमारी और अभी हम लोग वेटिंग रूम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो सुबह बताएंगे, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते। अरे संदीप भाव के आप में बहुत नींद है, मेरे को तो नींद नहीं आ रही है। टाइम अभी हो चुका है 12:30, पहुँच चुके हैं अपन अहमदाबाद, है ना। पहुँचते अपन गुजराती लैंग्वेज है, अहमदाबाद आ भी गए हो। ठीक ठीक ठीक। तो अपने को लेने के लिए गाड़ी भी आ गई है, टाइम 12:30 हो चुका है, कल बैठे थे अभी फाइनली पहुँच गए अपन। तो देखो वो रेड कलर की गाड़ी है, वो अपने को लेने के लिए आई है। ये अपने को कौन सा वाला खाना खाया अपन ने? गुजरात वाला। ये गुजरात का खाना खा के कैसा लगा? है सही लगा, पसंद आया? अच्छा कैसा। ये दोस्त अपने को आईआईटी से, आईआईटी गांधीनगर से दोस्त हमारे साथ में अभी 2-3 दिन रहेंगे साथ में आई थिंक, देखते हैं। और एक सर है हमारे साथ, वो अभी गए कहीं तो भी है। और ये हमारा नागपुर विदर्भ से, किधर विदर्भ के लोग पूरे भारत में किधर बीच है ना। तो फाइनली हम लोग उठ चुके हैं, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और संदीप भाव रेडी हो चुके हैं, मैं भी अभी रेडी होता हूँ क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं वहाँ पर पहुँचना है और जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करना है कि एग्जैक्टली हम आए क्यों है, वो चीज़ भी दिखाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर पहुँचते उसके बाद में ब्लॉग को हम एंड करेंगे, उसके बाद अगले जो ब्लॉग्स आएंगे वो ब्लॉग शानदार होंगे और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बहुजन समाज बाबा साहब की जयंती बहुत बहुत बड़े पैमाने पर कैसे मना रहा है। ठीक है, अभी मैं रेडी होता हूँ। हम लोग रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं नए कपड़े पहन लिए मस्त एकदम चकाक। और अभी रेडी होकर हम लोग जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं वो डेस्टिनेशन बहुत खास होने वाली है और ये जो न्यूज़ जाएगी जो नेशनल चौपाल दिखाने वाला है वो न्यूज़ पूरे भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ होने वाली। क्या लगता है? सही है, सही बात है। 14 अप्रैल को तहलका मचाने वाले हैं। बाबा साहब की जयंती तो पूरे भारत में मनाती है लेकिन गुजरात के अंदर में जो चीज़ हो रही है वो बहुत शानदार है। उसके लिए ये ब्लॉग आपको एंड होने के बाद में अगला जो ब्लॉग आएगा उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं। तो हम लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बता दूं लाखों की संख्या में बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट यहां पर किया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर में। मेरे पीछे देख सकते हैं जहां जहां तक आप देखेंगे बहुत बड़ा यहां पर पेंडल लगाया गया है, कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। पूरी की पूरी रिपोर्ट नेशनल चौपाल पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगी और यहां पर ये जो चीज़ें हो रही है सच में देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बहुजन समाज कहीं न कहीं अभी जागरूक हो चुका है, लगातार काम कर रहा है और देश में जहां पर सांप्रदायिक माहौल चल रहा है उसके एवज में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना ये
तो हिस्टोरिकल डेफिनेटली, और बाबा साहब की जयंती पर ये चीज़ हो रही है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ से अपन निकलेंगे और देख रहे हैं आप, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया है, और SSD जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।